नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आरती बाला। आपके साथ बिहार वासियों को वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय बजट की तरफ से बिहार को ये बड़ा तोहफा मिला है। क्या है पूरी खबर, दरअसल अब वो समझ लीजिए। बिहार वासियों को अब जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय बजट में ये बड़ा तोहफा मिला है। ऐसे में अब बिहार से एक नहीं बल्कि दो दो वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है। बजट के प्रावधानों के अनुसार आने वाले कुछ महीनों में दो वंदे भारत ट्रेन बिहार के अलग अलग स्टेशनों से गुजरेगी। पटना से हावड़ा रूट पर एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा वाराणसी से गया के रास्ते हावड़ा के लिए भी एक वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में तेजस राजधानी जैसे ट्रेनों को भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में तब्दील करने की तैयारी है। स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत एक्सप्रेस तेजस राजधानी एक्सप्रेस से अधिक गति से चलेगी। अगर सब कुछ योजनाबद्ध रहा तो आने वाले 6 महीने में बिहार से दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लगेगी। वंदे भारत ट्रेनों की स्पीड 150 से 160 प्रति घंटे तक होगी। दरअसल पहली वंदे भारत ट्रेन पटना से हावड़ा रूट पर और दूसरी ट्रेन वाराणसी से गया के रास्ते हावड़ा के लिए चलेगी। वर्तमान में पटना से हावड़ा के लिए दुरंतो और जन शताब्दी एक्सप्रेस सहित कुछ ट्रेनें चलती है। वहीं वंदे भारत दुरंतो और जन शताब्दी की तुलना में तेज चलेगी और यात्रियों को कम समय में ही गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाएगी। वहीं ट्रेनों को और अधिक गति से तथा सुरक्षित चलाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के दीनदयाल उपाध्याय से झाझा तक के रेलखंड को कवच प्रणाली से इंस्टॉल कर चलाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब हो कि देश में अभी 8 वंदे भारत चल रही है। इसमें हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाले वंदे भारत बिहार से होकर गुजरेगी और सीमांचल के जिलों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन पटना रूट पर अभी कोई वंदे भारत नहीं थी जिसकी सौगात अब जल्द ही मिलने वाली है। तो बता दें आपको कि अब घंटों का सफर जो है वो मिनटों में तय होगा। ऐसे में केंद्रीय बजट जो है वो बिहार के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि इस बड़े और तेज ट्रेन की जो सौगात जो है वो बिहार वासियों को मिलने वाली है। तो बिहार वासी काफी लंबे समय से इसकी शुरुआत होने का इंतजार कर रहे थे जिसका केंद्रीय बजट में आखिरकार ऐलान कर दिया गया है और अब जल्द ही बिहार वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने का मौका मिल सकेगा। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और तब तक के लिए विदेश इजाजत, नमस्कार।